नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी भाकर। यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे अंतः स्त्रावी तंत्र है इसके बारे में। अंतः स्त्रावी तंत्र और ये अंतः स्त्रावी ग्रंथियाँ हैं, इससे आपके रेलवे में, राजस्थान पुलिस के अंदर, एसआई के अंदर या कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाला है, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे अंतः स्त्रावी तंत्र का ये पहला पार्ट। अंतः स्त्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय की क्रियाओं को समन्वय स्थापित करता है। देखिए, अंतः स्त्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्रिका तंत्र है, ऐसा तंत्र है जो क्या है, तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर कोशिकीय क्रियाओं के समन्वय कार्य को स्थापित करता है। देख लेते हैं आगे थोड़ा सा हम यहाँ पे अंतः स्त्रावी तंत्र। अंतः स्त्रावी तंत्र संपूर्ण कोशिकीय क्रियाओं को लंबी अवधि तक तंत्रिकाएं नहीं कर पाता है। अब देखिए, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र है वो संपूर्ण कोशिकीय क्रियाएं हैं उनको एक लंबे समय तक क्या है, तंत्रिकाएं नहीं कर पाता है। और लंबी अवधि तक के निरंतर कार्य के लिए शरीर को क्या है कि अंतः स्त्रावी तंत्र द्वारा स्थापित हार्मोन की आवश्यकता होती है। चलिए, ये तो था हमारा अंतः स्त्रावी तंत्र और इसी के बारे में है। तो अंतः स्त्रावी तंत्र अंतः स्त्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। अब देखिए, अंतः स्त्रावी तंत्र है वो किसके माध्यम से कार्य करता है, अंतः स्त्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। अब अंतः स्त्रावी ग्रंथियां क्या होती है उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो अपने रसायनों अथवा उत्पादों को नलिका की सहायता के बिना सीधे ही रुधिर में स्त्रावित कर देती है, उन्हें हम नलिका विहीन अथवा अंतः स्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसी ग्रंथियां जो अपने रसायनों अथवा उत्पादों को बिना किसी नलिका की सहायता के सीधे ही रुधिर में स्त्रावित कर देती है वो क्या कहलाती है, नलिका विहीन या अंतः स्त्रावी ग्रंथियां कहलाती है। देख लीजिएगा, इसमें हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती है जो अंतः स्त्रावी होने के साथ साथ बहिस्त्रावी भी होती है। अब देख लीजिए, कई ग्रंथियां ऐसी होती है जो सीधे ही बिना नलिकाओं के साथ सहायता के वो सीधे रुधिर में अपना हार्मोन है उत्सर्जित कर देती है, पर उसके साथ साथ कई ऐसी भी है जो बहिस्त्रावी भी होती है, जैसे अग्नाशय अंतः स्त्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन और ग्लुकागॉन, और बहिस्त्रावी ग्रंथि के रूप में क्या है, ये पाचक एंजाइम स्थापित करता है। तो इस प्रकार से अग्नाशय है वो क्या है, अंतः स्त्रावी ग्रंथि के साथ साथ बहिस्त्रावी ग्रंथि भी है। इसी प्रकार से हमारे आप पे वर्षण और अंडाशय भी इसी प्रकार की ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर में एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड ऐसी चार ग्रंथियां हैं जो एक से अधिक हार्मोन का स्त्रावण करती है, इन्हें विशिष्ट अंतः स्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड और पैराथायराइड ये चार ऐसी ग्रंथियां हैं जो एक से अधिक हार्मोन का स्त्रावण करती है, और इस कारण से हम इन्हें विशिष्ट अंतः स्त्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। दोस्तों, ये यहाँ से आपका जीके का क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अंतः स्त्रावी ग्रंथि है या निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अंतः स्त्रावी ग्रंथि नहीं है, ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इन चारों ग्रंथियों के नाम है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। चलिए, हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है अंतः स्त्रावी तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण। अब देखिए, अंतः स्त्रावी तंत्र करता क्या कार्य है वो थोड़ा जान लेते हैं। अंतः स्त्रावी तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है, अंतः स्त्रावी तंत्र के द्वारा क्या है नियंत्रण स्थापित करता है, उसमें हाइपोथैलेमस है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से क्या करती है, सूचना को इकट्ठा करती है और इन सूचनाओं को विभिन्न स्त्राव और तंत्रिकाओं द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती है। हाइपोथैलेमस का ये कार्य होता है दोस्तों, और इस प्रकार से पूरा डिटेल से भी आगे मैंने डाल रखा है, पर दोस्तों इसका आगे पूरा अध्ययन करेंगे। पहले एक ग्रंथि का है वो हम अध्ययन कर लेते हैं। ये देखिए, मेरी स्लाइड नंबर 26 है, उससे पहले का मैंने कुछ हिस्सा छोड़ दिया है, ठीक है। ये मानव के अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में होती है। देखिए, पीनियल ग्रंथि है, ये मानव के अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में होती है, जो हम कहते हैं ना त्रिनेत्र, ये एक तरह से त्रिनेत्र है आपकी, तो त्रिनेत्र वाला जो हिस्सा है ना वहाँ पे ये मानव के अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में होती है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है कि पीनियल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन है वो स्त्रावित किया जाता है, तो सही आंसर यहाँ से हो जाएगा मेलाटोनिन हार्मोन। यह हार्मोन मुख्य रूप से शरीर के दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के दैनिक लय के लिए या नियमन के लिए उत्तरदायी है। जैसे दैनिक लय में कौन सा आ जाता है, आपका सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारे कार्य हैं वो पीनियल ग्रंथि द्वारा किए जाते हैं। जैसे कोई आदमी कहता है ना,
कि जैसे हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं बिना जगाए बिना अलार्म की सहायता से, तो वो ये पीनियल ग्रंथि ही कार्य करती है। ये आपका रिकॉर्ड रखती है कि आप पहले दिन 5 बजे उठे थे, लगातार 5 बजे उठ रहे हैं, तो ये आपका एक समय फिक्स कर देती है कि हाँ आपको 5 बजे उठना है। तो ये क्या करती है, इस प्रकार का दैनिक लय का कार्य है वो करती है। सोने का, जैसे नींद आने का कार्य होता है, तो वो सारा इसी के माध्यम से नियंत्रित होता है। दोस्तों, इसका हम अध्ययन YouTube पे भी करेंगे। YouTube पे हम लगातार आपके लिए इनके लिए वीडियो लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज एक बार वीडियो लेके आए तो हम दोबारा कभी वीडियो नहीं लेके आएंगे। दोबारा आपको नेक्स्ट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। पर दोस्तों, अगर आप इन सबको एक साथ देखना चाहते हैं, ये सारे वीडियो मेरे अनअकैडमी ऐप है उस पर डाले हुए हैं। अनअकैडमी ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। वहाँ पर मेरे कोर्स अभी देखिए, अभी मेरे कोर्स डाले हुए हैं, लोक देवता इन राजस्थान, ये कोर्स डाला हुआ है। इसमें 5-6 वीडियो मिलेंगे, एवरीडे करंट अफेयर। इसके अंदर करंट अफेयर के आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे बहुत सारे। इसमें मेरे 20-25 वीडियो डाले हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं हिंदी प्रीवियस ईयर जनरल साइंस MCQ, इसके अंदर मेरे 25 लेसन वहाँ पे डाले हुए हैं, यानी कोर्स 25 वीडियो डाले हुए हैं इसके अंदर। तो ये भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं एवरीडे जनरल साइंस क्लास, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों, मेरे बहुत सारे कोर्स डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। जिसमें देखिए, आप पे ये वाला जो आप पे ये आप जो देख रहे थे ना ग्रंथियों वाला, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया इस कोर्स का। इसमें क्या होता है, एवरीडे जनरल साइंस क्लास, ये जो थी ना लास्ट वाली एवरीडे जनरल साइंस क्लास, इसके अंदर से आप इसकी सहायता से वहाँ पे पूरी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं और धातुओं वाला डाला हुआ है। तो दोस्तों, वो सब आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है ग्रंथियों वाला, इसकी सहायता से आप है वो देख सकते हैं दोस्तों। और YouTube पे भी मैं ये अवेलेबल कराऊंगा, पर हो सकता है YouTube पे अवेलेबल कराने में मुझे सप्ताह भर लग जाए सारे वीडियो, पर उससे पहले आज ही देखना चाहते हैं तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया अनअकैडमी ऐप का, वहाँ पे जाइएगा। और दोस्तों, वहाँ पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। आप वहाँ पे फॉलो भी कीजिएगा और कोर्स को इनरोल भी कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है कि आपको उसका नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहता है। तो दोस्तों, मुझे फॉलो वहाँ पे कीजिएगा, इनरोल कीजिएगा। इसके अलावा आपको जैसा लगे कमेंट भी आप ज़रूर कीजिएगा। ये लेसन देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इसी की नई सीरीज के साथ।